तो हे गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में आ चुके अपने लॉफ्ट के पास। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है, कल हमने हमारा वाला धब्बेल को जोड़ा लगाने के लिए अंदर डाला था। क्या पता अभी क्या हाल है, क्या पिछले बार की जैसा ही आज भी उस मादी का वैसा ही हाल है या क्या हो गया है, हमको पता नहीं है। आपको क्या लगता है? तो गाइज, मादी को धब्बेल ने फिर से फोड़ डाला। अभी अच्छी हुई थी, ये देख सकते हो, फिर से इसको इसने मारा और आज भी बहुत तगड़ा मारा। गाइज, ऐसा क्यों कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों मारा? तो अभी छोड़ देते हैं कबूतर। मादी को तो बहुत बेकार मारा गया, जैसे पिछले बार भी मारा था वैसा ही इसको मारा है। तो गाइस, चैनल पे जो भी नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन करो। चलो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लैला मजनू घर के अंदर चले गए, उनको ये भी महाशय आ रहे हैं बाहर, उनका भी पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। लैला मजनू घर के अंदर कैसे चले गए? तो डायरेक्ट अंदर चले गए, ये देखो साल अंदर जा रहे, कोई काम ना दाम। उधर शेरू अपना इधर बैठा है, इनको बाहर निकालना पड़ेगा। चलो निकलो, तुम कबूतर को मारते हो, शेरू है तुम पे रखवाली करने के लिए, और आज भी इनका पानी की व्यवस्था करने की है। मादी को तो बहुत आज भी तगड़ा मारा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मुझे नहीं लगता, ये मादी थोड़ी सी डाउन लग रही है, थोड़ी सी लग रही थी इसकी वजह से बोला। बाकी पानी बरबर डालना पड़ेगा इसमें। ये ज़्यादा पानी कौन गंदा करता है? ये लैला मजनू पानी गंदी करते, फिर दूसरे तो कोई करते नहीं है। छोड़ देते इसको, अल्लाह डालो, पियेंगे पानी इसमें। वो मादी को तो बहुत बेकार मारा है, जोड़ा लगेगा नहीं लगेगा, इसका क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बहुत आशे से उसको और दूसरे के साथ वो, पर ऐसा ये मोटा को अपना धब्बेल ऐसा क्यों कर रहा है समझ नहीं आ रहा। मादी मस्ती भी आ गई थी, आपको मैंने दो तीन वीडियो में भी दिखा दिया है कि वो मस्ती पे आ चुकी है, पर नहीं, हमारा गलत था। आज भी मादी को बहुत ही तगड़ा मारा है, उस दिन मारा था वैसा ही आज ही मारा है। मैं आपको मादी दिखाई देता हूँ, देखो ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मादी मस्ती पे है, पर ये धब्बेल के साथ, नहीं तो दूसरे के साथ तो जाकची ना उस पर गटरता है तो मादी पसरने की कोशिश करती है, पर धब्बेल को साथ जोड़ा लगाने की कोशिश करता हूँ तो धब्बेल उसको मार ही लेता है। मेरे को लगा नहीं कल वो मारेगा करके, पर मारा ही। अब किसी की गारंटी है नहीं कि जोड़ा लगेगा करके। ये धब्बेल बहुत ही खूनी आत्मा है, इसने बहुत मर्डर किए है, हाफ मर्डर ज़्यादा, फुल मर्डर नहीं किए पर हाफ मर्डर इसने बहुत ही ज़्यादा कर दी। और आज भी वैसा ही दोबारा मारा रे भाई उसको, अभी तो अच्छी हो गई थी, फिर से मारा, फिर से उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मेरे को, तभी वो हो सकता है। और अपने पास वो जुगाड़, घरेलू जुगाड़ में आपको बताऊंगा भी नहीं वो कि जुगाड़ कैसा है, किसको पूछना है तो वो पर्सनल पूछना, वीडियो में मैं हम नहीं बता सकते उसकी, मतलब वो उसको खून लगाए ना वो चीज़ भरने के लिए घरेलू जुगाड़ करना पड़ता है, और कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, इसकी वजह से मैं बताता नहीं। जिसको भी किसके साथ ऐसा हुआ हो, हादसा हुआ हो, किसी नर ने उसको मारा हो तो मुझे पर्सनल बोलना और मैं पर्सनल आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। लैला मजनू उधर, उनको गेट से निकाला बाहर, ये आ गई इधर से, अब ये अंदर आएंगे और इधर कबूतर को परेशान कर रहे हैं। हमारे मुर्गी के छोटे बच्चे इधर है, बहुत कम रह गए इसमें, बहुत ही कम रह गए, बहुत पहले बहुत ज़्यादा थे। ये सीताफल का पेड़ है, इसमें बहुत ही आते हैं हमारे इधर जानवर, हमारी गिलेरी, जो हमारी गिलेरी है देखो, ये हमारी होंगी, अभी इधर ही रहे थे। दो गिलेरी हमने छोड़ी है पाल के, और रेस्क्यू किया था और छोड़ दिया था, ये देखो
पूरा सीताफल पूरे खा लिए। और ये हमारा सब जानवर के लिए ही है। हम मेरे को तो पसंद है नहीं ज़्यादा, ये अच्छा लगता नहीं मेरे को, किसी को बहुत पसंद आता है पर मेरे को अच्छा नहीं लगता, और इसकी वजह से मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। तो हमारे घर पैरोट, नए नए पंछी बहुत आते रहते हैं। ये देखो मुर्गी के बच्चे, वाइटी ब्राउनी, ब्राउनी वाइटी है, ब्राउनी तो हमारी हमको छोड़ के चली गई, ब्लैकी है, और ये दोनों ही फीमेल है 100%। इसकी वजह से तो ब्रीडिंग नहीं हो रही है। इस मुर्गी के पास हमने बच्चे अंडे रखे थे लैला मजनू के, नहीं फोड़े उसने, गंदे कर डाले। देखो लैला मजनू पूरे आ गए अंदर, उनका ही दाना, उनको इनका भी दाना ऊपर आता है खाने के लिए। अब करे तो करे क्या, मादी का तो मेरे को आज बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है कि ऐसा भी हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी लैला देख सकते हो पूरी गंदी हो चुकी है, क्योंकि हमने इनको नहाने के लिए पानी रखा ही नहीं है दो चार हफ्तों से। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। अभी इसको नहाने के लिए जब नहलाएंगे तब हम इनके नहाने की व्यवस्था कर डालेंगे। अंडे गिंडे देखना पड़ेगा, मोटा कबूतर के जैसा किसी ने फोड़ डाले हो कुछ तो, अंडे गिंडे तो है। बहुत जन बोलते हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, नहीं लगाते भाई हाथ, वो देखो हाथ लगाते नहीं, उनके मर्जी से। ये देखो ये पानी ज़्यादा गंदे करती है, लैला मछली बहुत ही ज़्यादा पानी गंदे करते हैं, इसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, नहीं तो हमारा पानी गंदा होता नहीं है। दब्बेल देखो कल कैसे सुनसान बैठा था, और आज देखो गटरना चालू और बुड्ढे कबूतर के साथ फाइट करना चालू, और उस मादी को तो बहुत फोड़ा। मादी देखो कैसे डर रही उसके पास से, उसकी आंखों में भी सूजन आ चुकी है, और सर को तो बहुत लगा है बेकार। अभी उसको और रखेंगे तो फिर फोड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, हमने फिर से उसको गैप देनी चाहिए या दब्बेल को नहीं लगाना चाहिए, दूसरे नर को लगाना चाहिए, वो भी आप कमेंट में बताना कि उसके साथ जोड़ा लगेगा नहीं करके। दब्बे इतना खतरनाक जोड़ा, उसकी आंखें भी सेम कल्याण के पूरा जोड़ा हो जाता, पर नहीं इनको कोई और ही मंजूर है, ऐसा क्यों हुआ। तो इधर अंडे, अंडे में से फाइट, अंडे फोड़ डालोगे, तुम्हारे तो अंडे मेरे को मेन है बाबा, तुम काय को भांडन कर रहे हो। इसके बच्चे अपने को उड़ाना है और ये ही गंदे कर रहे हैं। ये देखो ये तेरा खन इधर है, गलत लैंडिंग मत करा करो, अपने खन में जाया करो। तुम मुर्गी का बच्चा निकालेंगे नहीं निकालेंगे, अरे वाह जल्दी से बच्चा निकालना। ये जोड़ा तो कोई काम का है ही नहीं, मोटा कबूतर का बार बार अंडे गंदे कर डालता है। किना और दब्बेल देखो, अब इनको इनकी राइड लेना ही पड़ेगा, तब तक ये परेशान करते रहेंगे ये दोनों। भागे क्या दोनों भागे क्या, दब्बेल बैठा या दब्बेल भी भागा इनके साथ। ये देखो ये दोनों उड़ गए, कबूतर नीचे है तभी भी इनको हम उड़ा देते हैं, फेंक डालते, फेंके नहीं। अब देखना हमने एक ही झलकी मारी, ये देखो ये दोनों उड़ने लगे। दब्बेल बहुत जागचीने से भी अच्छा मेरे को दब्बेल लगता है उड़ने के बाबति में, बहुत जल्दी ऊपर लगता है। कब ये पट्ठा उड़ेगा हमारा, पट्ठे को भी रमाना है ना इसकी वजह से, पर दिवाली के बाद उड़ाएंगे उसको, अभी नहीं उड़ाएंगे, कुछ दिन रहने देंगे। उसके बाद ये देखो जागचीना बैठ गया खैरे की वजह से। ये ऐसे कबूतर है कि उड़ते हुए कबूतर को बुला डालते। ये आ गया दब्बे, बुड्ढा कबूतर उस मादी के पीछे परेशान, ये गया लाल, रामे की इसमें गया वो वाला नर। रामे किधर है, रामे नीचे है, रामे और रामे की मादी नीचे है, इसकी वजह से। तो ये देखो रामे गया, अब होगा इनका झगड़ा, फाइट, निकाल दिया अब बाहर। अब ये लाल वाला जाएगा उसके खन में और मादी को निकालेगा, क्योंकि मादी इसके खन में चली गई। और देख सकते हो ये अपना, ये माता रहा बुड्ढा कबूतर बहुत परेशान करता है, मैं खतरनाक नाम रखता हूँ, इसका नाम है बुड्ढा कबूतर, ये रहा बुड्ढा। अबे तेरा खन कौन सा, तू जा कौन से, तेरे बच्चे इधर अंडे है, तेरे अंडे पर ये कौन आ गया, ये मादी की लैंडिंग इसको बराबर जाती नहीं, लकड़ियाँ तो लेके आ रही है, आधी मेहनत तो मेरी लग रही है, ये इधर आती है, इसको मेरे को इधर इधर करना पड़ता है, मेहनत तो मेरी लग रही है। लैला मजनू नाराज़ होके चले गए, शाम के वक्त रोटी खिलाऊंगा, अभी नहीं खिलाऊंगा तुमको। ये पक्षी आ गया था कौन सा, तो मुर्गा भी आ चुका है। बाकी
अबे तू अपने मादी पर गटरा कर, उस मादी पे मस्ती पे है, दूसरे के मादी पे गटरता है ये धब्बेल, ऐसा परेशान करता है। रामाय को देख सकते, इधर के साइड लेके आ गए, अभी इधर से इसको छोड़ेंगे। ये देख रहा है घर, ये लगा राउंड काटने, देखते हैं अब हमारे घर उतरता है या गलत लैंडिंग करता है। मैंने तो उड़ा दिया है, अब देखेंगे रामाय को। ओ माय गॉड, धब्बेल इतना बदमाश है कि देखो रे बा, जैसे कबूतर उड़ते हुए देखा महाशय ने बिठा दिया तार पर। वो देखो वो तार पर बैठ गया, और ये देखो ये बहुत ही, अब उसकी मादी दिखाना पड़ेगा। आ, आ, आ। उधर तो बैठा है वो, ये रही रामे की मादी, देखते हैं रामे की मादी को देख के आता है या नहीं। ये रामे की मादी पकड़ी, अब इधर के साइड से छोड़ेंगे रामे की मादी को। अभी बैठ गया है वहां से ये धब्बेल ने, मेरे को लगा धब्बेल अभी इसको लेके भाग जाएगा, ऊपर लेकर लगा जाएगा, पर धब्बेल होशियार निकला, धब्बेल ने उसको बैठा दिया, पर गलत तार पर बैठाया, ये इस तार पर बैठा और रामे उस तार पर। आ, आ, आ। अभी देख रहा है वो, ये झाड़ के वजह से उसको दिख नहीं रहे कबूतर, नहीं तो ये झाड़ नहीं होता तो डायरेक्ट क्लियर कबूतर दिख जाते और जल्दी से बैठ भी जाता था। ये आ गया देखो, ये देखो, अरे बाप रे सीधा ही भागा वो, अरे वाह सीधा ही भागा, डायरेक्ट कड़म पकड़ा गया तो उसने सीधा ही गया, अरे वाह रामिया सीधा ही भागा। याचिन भी नीचे, रामिया गया तो गया का, अकेला ही भागा ये कांड। अरे यार आज शनिवार था यार, मैंने शनिवार के दिन कबूतर उड़ा दिया रामिया को, रामिया तो दिख ही नहीं रहा अभी मेरे को। अभी रामिया नहीं आ रहा है, गलत सीन हो गया, रामिया को उड़ा दिया। रामिया कहाँ पर गया, इधर के साइड भागा रामिया, मेरे को अब घर के ऊपर जाना पड़ेगा। इसको तो मैंने अभी उड़ा दिया है फिलहाल, पर रामिया कहाँ गया। ये देखो ये हमारे दो कबूतर उड़ रहे हैं पर रामिया भाग गया गाइस, गलत सीन हो गया, रामिया ऊपर चला गया और भाग गया। ये दोनों उड़ रहे हैं पर रामिया अपना अभी तक नहीं आया, शायद कलम चला गया क्या, तो इधर के साइड ही गया, मेरे को पता है इधर के साइड भागा वो, पर मेरे को लगा राउंड काटते आ जाएगा पर सीधा ही भागा, आया ही नहीं, और कलम भी इधर के साइड पे है। तो गैस बहुत बुरा लग रहा है गैस कि रामिया हमारा कहाँ गया, तो अब 2 घंटे हो चुके हैं, मैं 2 घंटे से कबूतर खुले रख के उसकी राह देख रहा हूँ ऊपर, बार बार अपने कबूतर उड़ा रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ, पर यह कबूतर अभी भागना नहीं चाहिए, भागा भी गया हो तो डायरेक्ट हमने वहाँ से कबूतर लाए कड़म से उधर जाना चाहिए, क्योंकि रामे हाई प्लेयर पिजन था, और किसी को मिलेगा तो बताना गाइस, क्योंकि अब मेरे घर वालों को ये भी पता चल जाएगा तो अब तो बस कबूतर पूरे बेचने के बोल देंगे, जितने पैसे आएंगे उतने बस कर लेंगे उन्हें, और बाकी सभी कबूतर बेच दे और तू ये धंधा बंद कर, ऐसा ही सीन होने वाला है मुझे ऐसा लगता है। पर हमारा रामिया वो मादी का आशिक भी था, जैसे अपना मोटा कबूतर है ना वैसे ही अपना आशिक ही था, पर रामिया कहाँ गया कुछ समझ नहीं आ रहा, कब आएंगा रामिया क्या नहीं समझ नहीं आ रहा गाइस, आएंगा या नहीं आएंगा, मेरा विचार गया है इस साइड से, इस साइड ही भी कड़म आता है और उस साइड से, और वो हाई प्लायर है उसको 70 किलोमीटर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4-5 घंटे वाले कबूतर 70 किलोमीटर कुछ नहीं, ऐसे याददाश्त के बहुत पक्के होते हैं, गया हो तो उधर जाने को होना, नहीं तो उस लाल मादी के जैसा वो गायब नहीं होना। पर ये कबूतर उड़ा है, लाल मादी उड़ती नहीं थी, और लाल मादी का भी हमको पता चल गया, मेरे को गांव में पग दिसे दिखे उसके, शायद उनको कुत्ते ने खा लिया उस मादी को। पर हमारा रामिया ये भी बैड न्यूज़ मिलती क्या, कब आएगा या नहीं आएगा, अब देखो अफ्रीकन फैंटल बड़े कबूतर में दौड़ती में चला गया, तो इधर फाइटा अंडे है फाइटा कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारा रामे हमको दिख नहीं रहा, इनका परेशानी। अभी मैं कबूतर अंदर डाल देता हूँ, अंदर ही डालना पड़ेगा अभी।
सामान देखो पूरा खाली है, पूरा का पूरा, ना पैक पे दिख रहा है ना कुछ, ना कुछ ना कुछ। गया तो गया, कहा समझ नहीं आ रहा। मादी को भी दिखा है तभी भी नहीं आया वो, ऐसा क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो मैंने गलती कर दिया ली कि उसको उड़ाया उधर से, और मेरे को पता नहीं था कि आज का शनिवार है करके। मेरे को लगा, मतलब था मेरे ध्यान में कि आज शनिवार है, पर शनिवार के दिन ही मैं कबूतर उड़ाऊंगा ऐसा मेरे को लगा नहीं। तो गाइस मैं इधर थोड़ा सा झाड़ गेट पर बैठा है या नहीं मैं देख लेता हूँ, क्योंकि कुछ बता नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। उधर वाइट वाइट दिख रहा है मेरे को, पर वो बगले है, और इधर तो कोई है नहीं। और गाइस देख, अरे रुको रुको गाइस, मेरे को अभी बैठा बैठा हुआ दिखा कबूतर। अरे बाप रे, ये देखो गाइस रामे आ चुका है। अब जान में जान आ गई, अब जान में जान आई गाइस। मोटा का ये देखो, ये जोड़ा ऐसे ऊपर रहने को ना, देखते हैं अब इनके जोड़ा लग गया क्या। तो कटर तो रहा है दोनों, और अब ये भी खुशखबरी है कि हमारा रामया वापस आ गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को रामया वापस आ गया करके। सिर्फ अब नीचे बैठने को होना, इनका भी जोड़ा लगता क्या। तो ये देखो, ये अभी अभी भी तार पे है, ऐसे वैसे ही वही तार पे बैठा था और इधर से फड़ाक से भाग गया था, पर अभी तार पे बैठा है। अब देखते हैं ये नीचे आता है या नहीं। तो मैं देख सकती हूँ उनके पास चला गया, उस जोड़े के पास। अभी आएंगा वो नीचे, अभी दाना ही नहीं है मेरे पास दाना। आने की कोशिश कर रहा है, आने की कोशिश कर रहा है रामे, आने की कोशिश कर रहा है। आने को ना नीचे, आने को ना, बस दूसरा कोई नहीं। देखो आएंगा आएंगा, उतरेगा शायद। ये आ गया आ गया। अरे वाह, इसने तो जान निकाल दी थी। अच्छा हुआ आ गया, नहीं तो बहुत बुरा लगता था। इस देख सकते हो धब्बेल का जोड़ा लग चुका है फाइनली। वाह रे वाह, वाह मेरे शेर, जोड़ा लग चुका है। तो गाइस दो बार मादी को फोड़ने के बाद फाइनली जोड़ा लग चुका है। वाह ये बात, अब तो अपन बहुत खुश है। यही जोड़ा चाहिए था मेरे को, और लग गया फाइनली जोड़ा। आज तो बहुत खुशी का दिन है। पहले मेरे को लगा बेकार, क्योंकि उसको आज भी फोड़ा था डब्बेल ने, पर फाइनली उनका जोड़ा लग गया, तो इसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। वो देखो जाकचीना गया ताल करने के लिए, अब उनका जोड़ा लग चुका है। जाकचीना का अभी उधर कुछ दाल नहीं गिलने वाली, उसके लिए वो पट्टा है, वो पट्टा भी गटरता है, नर निकलता क्या। तो देख सकते हो अभी मेरी इस पर नज़र गई, ये देखो शायद उसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो देखो उधर रहता है वो, अब इधर से अब ये देखो ये अपने आप ही खुल गया था। अच्छा हुआ मैं घर हुआ, घर था, नहीं तो कोई ना कोई जानवर इसको खा लेता था। ये देखो अब कंधे पर बैठ गया अपने, इसको छोड़ते कबूतर में। ये देखो सब कबूतर इस पर गटर नहीं गए, कल ही ऐसे गट रहे थे और आज भी गट रहेंगे इस पे। इसका दाना पानी तो कर दिया है अभी, अब सब सेट है। ये जोड़ा भी लग चुका है ये देखो, और ये बाहर निकल गया था, मेरे को दिख भी गया। इधर कोई कबूतर गया क्या? ये वाला गया था, काय को गया था इसका, इसको पता। तो इसको मैं इसके घर में छोड़ देता हूँ, राम लक्ष्मण का भी दाना पानी करने का। ये देखो कैसे कर रहे हैं, अब इसको इसके घर में रखना पड़ेगा। ये ऐसे इसको कैसे खोलता है ये, अब इसका ताकत बहुत बढ़ गई, जैसा लक्ष्मण ताकत खोर था वैसे ये। और इनका भी होने का है दाना पानी, कल इनको छोड़ा था कबूतरों में, आज नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण को भी छोड़ना था पर आज नहीं छोड़ेंगे, इनका अंदर ही दाना पानी करेंगे। तो गाइस कबूतर देख सकते हो इधर आ चुके हैं, और हमला भी हो गया था, किस चीज़ का हुआ था। तो चल चल, ये देखो ये सब कबूतर गेट लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो इधर आते हैं। जैसे हमारी लाल वाली मादी कुत्ते ने लेके भाग गई, वैसे इनको भी लेके जा सकते हैं। इसके वजह से गेट लगा दिया मैंने अभी। इनके लिए दाना लाया था, तो आज इनका दाना पानी इनके घर के अंदर ही होगा। दोनों को बराबर करके दाना देते हैं, पहले देते हैं लक्ष्मण को। लक्ष्मण देखना सबसे
आतंकखोर ये करेगा, देखना ये ज़्यादा वेस्ट करता है। इसको अंदर डाल दिया, राम होशियार है पर ये बाहर निकल के खाने की इसकी ज़्यादा आदत है। ये देखो ये निकल रहा है, पर फैन चालू है, इसको हम निकल भी नहीं दे सकते। अभी इसको इसके खन में ऐसा रखते हैं, मतलब ये वेस्ट ना गिरे। उनको वैसा खन है नहीं। अब देखो दोनों के दोनों लग गए, फिर ये होने के बाद इनको पानी पिलाएंगे। तो देखो ज़्यादा वेस्ट वो करता है। इनको हम अभी मूरी खिलाएंगे, ये देख सकते हो ये प्योर ओरिजिनल खेत में निकली हुई है, जो दुकान में मिलती है वो वाली नहीं, ये पूरी खेत वाली है। इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, ये देखते खाते हैं या नहीं। इसके ऊपर से जा रहे हैं तो खाने रहे, जिनको समझता है वो खा रहे हैं, और ये खाना अच्छी बात है। अब ये पूरा खाने देंगे इसको, क्योंकि प्रोटीन वाली चीज़ हमारे कबूतर को ज़्यादा चाहिए। अभी देखो सब खा रहे हैं, मज़े से खाने देते हैं। तो गाइस 6 कबूतर हमारे बाहर है, देख सकते हो, दो नीचे दो इधर दो इधर, 6 कबूतर है, 6 कबूतर उड़ने वाले हैं। अभी इनको अंदर डालना है, इसमें मोटा कबूतर का जोड़ा है, अभी तो कबूतर छोड़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इसकी वजह से इनको अंदर डाल देंगे। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपने देखा कि हमारा रामया भी भाग गया था और हमारे धब्बेल का जोड़ा लग चुका है, रामया भी वापस आ चुका है, धब्बेल का जोड़ा भी लग चुका है, और उस माधी को बहुत मारा पर सक्सेसफुल जोड़ा लग चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।